SRM टुडे शहर की आवाज। मंदसौर नगर पालिका प्रशासन के आला अधिकारी जहां एक ओर शिवना शुद्धिकरण और स्वच्छ भारत अभियान का दिखावा कर करोड़ों रुपए हड़प जाते हैं, वहीं दूसरी ओर लाखों रुपए लगाकर भी शिवना मैली की मैली ही रहती है। आइए आपको भी दिखाते हैं नगर पालिका के टैंकर द्वारा शिवना नदी में छोड़े जा रहे गटर का गंदा मल, जिसने नगर पालिका प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। देखिए ये रिपोर्ट। मंदसौर में स्वच्छता अभियान एवं शिवना शुद्धिकरण को लेकर मानो जंग सी छिड़ गई है, जिसके चलते नगर पालिका प्रशासन एवं सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके अपने इन अभियानों को पूरा करने में जुट गई है। लेकिन एक ओर जहां नगर पालिका प्रशासन स्वच्छता अभियान एवं शिवना शुद्धिकरण के नाम पर करोड़ों रुपए लगाती रही, वहीं दूसरी ओर नगर पालिका का टैंकर ही शिवना नदी में शौचालयों के मल को नदी में प्रवाहित करता दिखा, जिसे SRM टुडे द्वारा प्रमुखता से उठाकर मामले की सच्चाई लोगों को दिखाने का प्रयास किया गया है कि किस तरह जिम्मेदार शिवना शुद्धिकरण कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि नगर पालिका के टैंकर द्वारा शौचालयों के गटर का पानी शिवना नदी में दिन दहाड़े प्रवाहित किया जा रहा है, जिसे नगर पालिका के ये कर्मचारी नालों का पानी बता रहे हैं। और तो और नगर पालिका के ये कर्मचारी गटर का मल कहां से लेकर आए हैं ये बताने में भी हिचकिचाते और अलग अलग उत्तर देते हुए कैमरे से बचते दिखे। क्यों भर के कहां से लाए? कहां से भर के लाए? अच्छा भर के लाए, नहीं मालूम आपको कहाँ से लाए? वो जगह मेरे को मालूम तो गंदा नहीं, नहीं नाला का पानी, साफ पानी। अच्छा सीधा बैठक से लेके आए? कास्का होटल कहाँ से? नहीं नहीं है? फिर कैसे लाए? क्यों भैया वो नदी के अंदर डाल रहा हूँ, शिमला नदी के अंदर। आप लोग कहाँ से भर के लेके आए थे टैंकर? नाला का, नाला का पानी। किसके यहाँ से? ये अपने तड़का होटल सामने से। तड़का होटल? तड़का होटल कहाँ से? नहीं लेटरिन का नहीं, तो उसी का तो है, साफ दिख रहा है उसमें लगी। नहीं टैंकर लेटरिन का है, बाकी चंबा ये अपने नाले का पानी है। तो नाले का पानी काहे के लिए भर के लेके आया उसमें? नाले पानी भरना पड़ता है ना, सरकारी काम है। अच्छा किसने बोला था भरने के लिए? ये अधिकारी काम है हमारा, नगर पालिका का नियम होता है तो करना पड़ता है, सरकारी काम। कहाँ से भर के लेके आए टैंक का? तड़का होटल से भर के लाए, नाला का पानी, नाला जाम हो रहा है उसका पानी भरा। छोड़ा जा रहा है इसको फिर? ये खाली कर रहे गड्ढे साइड में। कहाँ पे? ये साइड में, यहाँ खेत के पास में। कौन से खेत में? ये पास में। क्या नदी है? शिवना नदी के पास में? नहीं नहीं नदी का नहीं, नदी में नहीं, नदी में तो है, नदी में छोड़ रखा पानी। नहीं नदी में नहीं है, आप उधर देख सकते हो आप, नदी, नदी के अंदर छोड़ रखा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है उसमें। नहीं नहीं कहाँ दिख रहा है, दिखाओ मेरे को। किसने बोला आपको यहाँ पे डालने के लिए? नहीं खेत वाले ने। खेत वाले ने? कौन खेत वाला? ये खेत वाला इनके पास में घर है। ये तो खाद के काम में भी आता है ना पानी? नहीं नहीं नाले पानी नहीं आता है। तो ये गंदा पानी जो लेकर होता है तो बिल्कुल उसके ही रहता है ना? वो काम आता है, खाद भी काम आता है ना? एक मिनट,
क्यों भैया? एक मिनट, आदमी तो काम आता है टैंकर का गंदा पानी है। कहाँ से लाइए? ये अपने केंद्रीय विद्यालय वो बीएसएनएल टावर के वहाँ से। बीएसएनएल टावर के वहाँ से। किसके यहाँ से लेके आए टैंकर को गंदा पानी? नाले का है, है? नाले का। बीएसएनएल टावर कहाँ पे? ये कमला नेहरू के पास में है। कमला नेहरू के पास में। अच्छा, कमला नेहरू के पास में। अच्छा, किसने बोला था यहाँ डालने के लिए गंदा पानी? असलम भैया। कौन असलम भाई? ये है ना, लेटिंग का नहीं, नाले का है। नाले का, नाले का। एक तो कह रहा आपका जो साथ में जो है कास्कर होटल के यहाँ से सीताओं फटक के यहाँ से लेके आया गंदा नाले का पानी, हो रहा आप कह रहे हो कि कमला नेहरू स्कूल के यहाँ से लेके आए। वो जाने ड्राइवर, अपन तो कर्मचारी था, अपने को मालूम नहीं। देखो तो फिर आपको कैसे मालूम कि बीएसएनएल टावर के यहाँ से लेके आए? भर के लाया, मैं भर के लाया तो मेरे को मालूम है। तो वो कह रहा वो झूठ बोल रहा है, मैं थोड़ी झूठ बोलूंगा। तो एक दूसरे को ही नहीं मालूम कि कहाँ से भर के लेके आए? मैं बता रहा हूँ ना आपको, तो गंदा पानी है। हाँ, नाले का पानी है, गंदा पानी। हाँ। इस संबंध में एसआरएम टुडे द्वारा कांग्रेस पार्षद विजय गुर्जर और भी कुछ लोगों को बुलाकर इस मामले की सच्चाई साबित की गई कि यह नालों का पानी है या शौचालयों के गटर का, जो बात उन्होंने भी साबित कर दी है कि यह शौचालयों के गटर का पानी है जिसे खेतों में खाद के रूप में उपयोग करने के बजाय शिवना को मैले करने के लिए नदी में प्रवाहित किया जा रहा है और करोड़ों रुपए स्वच्छता सर्वेक्षण एवं शिवना शुद्धिकरण के नाम पर अपनी जेबों में भरे जा रहे हैं। भाई साहब, क्या कहना है, आपने क्या देखा यहाँ पर? हमारे मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बुलाया भी गया था, क्या देखा आपने यहाँ पर? हाँ, एसआरएम न्यूज़ के आप गोलू द्वारा मुझे यहाँ बुलाया गया और बताया गया, और जो मैंने देखा है यहाँ पे कि जो सेफ्टी टैंक होता है उसके अंदर से जो मल होता है उसको टैंकर जो निकालता है, उस टैंकर को यहाँ पे शिवना नदी पे खाली किया जा रहा था। और जब मैंने देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सीएमओ सविता प्रधान और पेलाद बंदवार जी इस मंदसौर शहर में करोड़ों रुपया, अरबों रुपया स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम से खर्च कर चुके हैं और अभी भी करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं जिसकी कोई गिनती नहीं। अब आप देखें कि स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम से इनकी क्या मनोस्थिति है और क्या इच्छा है। मुझे इस जो स्थिति यहाँ पे देखी है, इससे देख के तो ये लगता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम से केवल अपनी जेबें भरना, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना इनका उद्देश्य है। गांव के बोलने वाली जनता को, नागरिकों को स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम से गुमराह करना और खाली फोटो छपा छपा के और फोटो में दिखाना कि मंदसौर स्वच्छता सर्वेक्षण हो रहा है। आप देखेंगे ये जो मेले टैंकर का, सेफ्टी टैंक का जो मल होता है उसको यह शिवना नदी में सरेआम मिलाया जा रहा है और ये काम निरंतर कई दिनों से चल रहा है और एक बड़ा गड्ढा यहाँ पे है जिसको जो पूरा भर चुका है। तो इससे ये भाई स्पष्ट मालूम पड़ता है कि ये कोई आज से ही नहीं हो रहा है और ये जो सेफ्टी टैंक का जो मल है शिवना नदी में जा रहा है। एक और शिवना शुद्धिकरण के नाम से मंदसौर के विधायक, मंदसौर के नगर पालिका अध्यक्ष डिंडोरी पीटते हैं। अभी कलेक्टर ने लाखों रुपये के सीवरेज लाइन नाला बाहर छोड़ने का काम यहाँ पे चल रहा है। 1 करोड़ रुपए के टैंक इस शिवना नदी में गंदा पानी बाहर निकालने के लिए पहले बना चुके हैं जो आज मिट्टी का ढेर बन के रह गए, यही भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने बना है। क्या लगता है कि एसआरएम टुडे द्वारा इस मामले को नहीं उठाया जाता तो क्या लगता है कि लगातार इस तरह के शिवना को शुद्ध करने के जगह गंदगी की जाती, क्या मानते हैं? हाँ, ये इस जब मेरा ये कहना है कि जो शिवना शुद्धिकरण और स्वच्छता सर्वेक्षण करने वाले जो लोग हैं वही लोग अगर इस तरह के कार्य कराएंगे, बिना सीएमओ या अध्यक्ष की जानकारी के ये मेला टैंकर यहाँ पे खाली हो नहीं सकता। किसी प्रभावशाली व्यक्ति का इसमें सहमति तो है कि हाँ यहाँ पे खाली करना है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए इस पर? बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। और अगर सीएमओ और ये सीएमओ और नगर पालिका अध्यक्ष इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो बिल्कुल कार्रवाई संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इस संबंध में नगरपालिका सीएमओ सविता प्रधान ने बताया कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी, मीडिया द्वारा उन्हें पता चला है। यदि किसी कर्मचारी द्वारा मल को ट्रीटमेंट प्लांट के बजाय नदी में छोड़ा जा रहा है तो उन पर घटना की जांच पड़ताल कर उचित कार्रवाई की जाएगी।
सिमना नदी के अंदर जो सेप्टिक टैंक जो गंदा लोगों के घर से पानी निकाला जाता है मेला वाला, वो सिमना नदी के अंदर डाला जा रहा है, क्या कहना आपका इस बारे में? देखिए, हमने टेंचिंग ग्राउंड में जो स्लज मैनेजमेंट के अंदर ट्रीटमेंट प्लांट बना रखा है और हमने सभी को आदेश दे रखे हैं कि उस ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर ही उन्हें खाली करना है टैंक को। और अभी अभी आपके द्वारा मुझे ये जानकारी दी गई है कि ऐसा हमारे यहाँ का कोई कर्मचारी कर रहा है, मैं उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित करूँगी और आगे ऐसा ना हो इसके लिए कड़ी कार्रवाई करेंगे। देखने में आ रहा है कि मैडम आसपास के लोगों का कहना है कि लगातार पहले भी कई बार यहाँ पर इस तरह के टैंक वगैरह डाले गए, सिमना शुद्ध करने के नाम पर करोड़ रुपए खर्च किए गए, पर नगर पालिका के कर्मचारी खुद इस तरीके से अनदेखा कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं आप? पहली बात तो अभी सिमना शुद्धिकरण के लिए हम लोग प्रयास जरूर कर रहे हैं लेकिन कोई करोड़ों रुपये खर्च नहीं किए हैं, पर अगर इस तरह की लापरवाही की जा रही थी तो मुझे शिकायत करनी थी या मुझ तक किसी भी प्रकार से खबर देनी थी, वो मुझे मेरे पास में आई नहीं। आज आपके द्वारा मुझे ये खबर दी गई है, मैं तत्काल मौके पे जाऊंगी और संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करूंगी। क्या कार्रवाई की जाएगी मैम कर्मचारी के खिलाफ? अब अभी मैं पहले मौके पे जाके देखूंगी, आप कल इसकी रिपोर्ट ले लीजिएगा कि क्या कार्रवाई। अब डालोगे आप लोग गंदगी नहीं डालेंगे? अब नहीं डालोगे सिमना नदी में? हैं, कहाँ नहीं डालोगे बता दो। वैसे ही यार दिक्कत ये है, उसी हो गया। अब डालोगे नहीं सिमना नदी में? हैं, कि डालोगे सिमना नदी में? डाल रहे हैं, गड्ढा अलग से खोद रखा है ना। तो सिमना नदी में ही तो है, ये दूर है नदी से। कितना दूर है? दूर है, साफ दिख रहा हो तो। 500 कितनी बार डाल चुके हो यहाँ पे आप लोग? भाई एक दो बारी बस। अच्छा, कितने रुपए देते हैं आपको ये? किसने बोला था आपको डालने का? गौरतलब है कि लंबे समय से नगरपालिका द्वारा स्वच्छ भारत अभियान एवं सिमना शुद्धिकरण के नाम पर करोड़ों रुपए लगाए गए हैं, लेकिन आज इस टैंकर ने दिन दहाड़े मल सिमना में प्रवाहित कर नगरपालिका प्रशासन के विकास कार्यों, स्वच्छता एवं सिमना शुद्धिकरण की पोल खोल कर रख दी है, जो कि नगरपालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। संवाददाता विपिन चौहान के साथ SRM टुडे मंदसौर। SRM टुडे, शहर की आवाज़।